मज़ेदार रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली अरबी के पत्तों की बड़ी, इसे कुछ लोग पात्रा भी बोलते हैं, आलू बड़ी भी बोलते हैं। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि गले में खराश होती है खाते समय या रोल बनाते समय टूट के बिखर जाते हैं, ऐसी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको बनाने के लिए देखिए, हमने सबसे पहले एक कटोरा ले लिया है जिसमें हम डालेंगे 1.5 कटोरी बेसन, 2 से 3 चम्मच चावल का आटा। यहाँ पे हमने बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, चावल की कम रखी है। चावल से क्रिस्पीपन आता है इसीलिए हम यहाँ चावल का आटा का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो बराबर भी रख सकते हैं बेसन को और चावल को। तो यहाँ पर हम ये दोनों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा पानी डालकर दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अभी 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर का पाउडर, जिससे आपके गले में बिल्कुल भी खराश नहीं होगी, क्योंकि अरबी के पत्तों में कोई भी खट्टापन ज़रूरी होता है। चाहे तो आप दही डाल सकते हैं, चाहे तो आप नींबू डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। अभी अदरक लहसुन हरी मिर्च का एक पेस्ट बनाया था जिसे हम डाल देंगे, इससे टेस्ट अरबी के पत्तों का बहुत ही अच्छा आता है, इसे हम डाल देंगे। साथ ही इसमें हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, और 1 चम्मच भर कर हम इसमें डाल देंगे सफ़ेद तिल। तिल डालना पात्रा में बहुत ज़रूरी होता है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अभी यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे आपका जो अरबी के पत्तों की बड़ी है उससे आपका कलर बहुत अच्छा दिखाई देगा, इसीलिए हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रहे हैं। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा एक जैसा घोल बना लेंगे। इसको अच्छे से फेंटिएगा क्योंकि इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। अच्छे से एक जैसा हमारा देखिए घोल बन जाना चाहिए, ना ज़्यादा पतला बनाएंगे घोल ना ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे। घोलने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जब तक कि हम पत्तों की तैयारी करते हैं। तो इसे हम ढककर रख देंगे। ये देखिए, ये है मेरी मम्मी के घर का किचन गार्डन। ये बारिश के मौसम में लगाने वाले अरबी के पत्ते हैं। एक होते हैं जो बारहमासी होते हैं, और ये हैं जो हम रेनी के सीज़न में लगाते हैं, है ना। तो कितने अच्छे अच्छे एकदम हरे हरे पत्ते हैं। इस तरीके से मम्मी ने तोड़ लिया था, कम से कम 9 से 10 पत्ते मम्मी ने तोड़ा है। तोड़ने के बाद हमने इस पत्ते को बहुत अच्छे तरीके से 2-3 पानी आपको धो लेना है। पत्तों में कीड़े वगैरह भी रहते हैं तो आपको धोना ज़रूरी है। ये पत्ते का सीधा साइड होता है और ये उल्टा साइड होता है, तो आप ध्यान रखिए। देखिए, इस तरीके से आपको पत्तों के पीछे से डंडी को निकाल देना है। डंडी निकालने से एक तो खराश भी नहीं होती है, ऊपर से आपको जब आप पत्ती की बड़ी लपेटेंगे तो आपको फिर दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से देखिए, बढ़िया सा आपका पत्ता इस तरीके से होना चाहिए। तो सारे पत्तों के आप इस तरीके से डंडी ज़रूर निकाल दीजिएगा और अच्छे पानी से धो लीजिएगा और पानी को सुखा लीजिएगा। हमने ये सब चीज़ें कर लिया था। तो अब देखिए, हम एक बंडल में कम से कम 4 से 5 पत्ते लपेटेंगे। तो हमने देखिए एक बड़ा सा पत्ता ले लिया है, बड़े छोटे इस तरीके से हम पत्ते एक बंडल में लेंगे। और जो हमने घोल तैयार करके रखा था, जब तक कि हमने पत्ता धोया जब तक हमारा घोल भी सेट हो गया। तो जब भी आपको बनाना हो तो पहले आप घोल तैयार करके रख दीजिएगा। इस तरीके से देखिए, आपको उल्टे साइड में पत्ते के अच्छे तरीके से फैलाते हुए लगाना है, कोई भी जगह ना छूटे इस तरीके से आप लगाइएगा इसको। सारी जगह पर हम अच्छे से इसको लगा देंगे। इस तरीके से देखिए, हमने पूरे घोल को सारे पत्तों में लगाया है। एक बंडल में हम 4 से 5 पत्ते ले रहे हैं, तो अभी हम एक दूसरा पत्ता लेंगे और उसे जस्ट हम उल्टे साइड में रखेंगे, उल्टा मुंह करके उसे, और उसके ऊपर भी सेम इसी तरीके से हम घोल लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हम तीसरे, चौथे, पाँचवें पत्ते, जितने भी आप पत्ते ले रहे हैं एक बंडल के लिए, उसमें आपको सारे में इस तरीके से घोल को लगाना है फैलाते हुए। उसके बाद हम बंडल बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस हमने 5 पत्तों में की है। अब हमें देखिए बंडल बनाने के लिए क्या करना है। इसके जो साइड के जो कॉर्नर है, ये देखिए, इस तरीके से आपको मोड़ देना है और इसके ऊपर भी ये घोल को लगाना है।
ये देखिए घोल को बहुत अच्छे तरीके से एकदम फैलाते हुए, ज़्यादा मोटी लेयर भी नहीं लगानी है आपको, इस तरीके से जैसे हमने लगाया है फैलाते हुए लगाना है, ताकि पत्ते का कोई भी आपको हिस्सा खाली ना दिखे। ये देखिए इस तरीके से दूसरे तरफ भी हमने इसको मोड़ दिया, और बंडल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टाइट आपको बनाना है, ताकि आपके बंडल खुले ना, क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है कि जब हम रोल कटिंग करते हैं तो वो बिखर जाते हैं, तो ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी यदि आप बंडल अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो ये देखिए हमने बंडल को इस तरीके से टाइट आपको फोल्ड करना है, जितना आप अच्छे से टाइट एकदम बंडल बनाएंगे, आपके जब आलू बड़ी आप कटिंग करेंगे तो टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, बहुत ही सही तरीके से आपके निकलेंगे। देखिए दो एकदम टाइट बंडल हमने बनाकर रखे हैं पांच पांच पत्तों के, तो इसको स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए हमने एक पैन ले लिया है, जिसमें हमने 2 से 3 गिलास पानी ले लिया है, और इसे थोड़ा हम गरम कर लेंगे। गरम होने के बाद हम इसके ऊपर छन्नी रखेंगे, छन्नी के ऊपर आप तेल से थोड़ा ग्रीस कर लीजिएगा, इससे आपकी पत्ते की बड़ी जो है चिपकेगी भी नहीं और अच्छे से पक जाएगी भाप में। तो चारों तरफ से ग्रीस करने के बाद ये बंडलों को हम दोनों बंडल को इसके ऊपर रख देंगे। आप ज़्यादा पत्तों की भी बना सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना बर्तन सेट कर सकते हैं। स्टीम करते समय इस बंडल के ऊपर हम तेल से ग्रीस कर देंगे, इससे जब स्टीम होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो बड़ी है वो पक जाएगी। इसके बाद हम इसे ढककर कम से कम 25 से 30 मिनट स्टीम होने के लिए रख देंगे। 25 से 30 मिनट हो चुके थे, तो चलिए ढक्कन खोल के देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी जो बड़ी है, आलू बड़ी बोल दीजिए, पात्रा बोल दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। इसे हम बाहर निकाल लेंगे और हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमारे रोल कटिंग हुए हैं, बिखरे भी नहीं हैं, टूटे भी नहीं हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट साइज़ के हमारी जो ये अरबी के पत्तों की बड़ी है वो निकली है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी आलू की बड़ी या पात्रा कभी भी ख़राब नहीं होगा, गले में बिल्कुल भी खराश नहीं होगा, एकदम परफेक्ट तरीके से आप बना पाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें तेल ले लिए हैं पैन में, और हम इसको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कम तेल में भी इसे बढ़िया सा अच्छे से ब्राउन तल सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने एक बार में 3 आलू बड़ी डाल दिया है। जब वन साइड से हो जाए तो इसको हम पलट लेंगे, हल्के हाथों से पलट दीजिएगा। आप देख रहे हैं कि हमारी आलू बड़ी या अरबी के पत्तों की बड़ी बिल्कुल भी टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये बनी है। और देखिए कलर इस तरीके से आपको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होते तक आपको सेक लेना है। तो हमने देखिए जितने भी बड़ी बनाया था हमने सबको फ्राई कर लिया है, तो उसके बाद हमने देखिए प्लेट में सर्व किया है। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये अरबे पत्तों की बड़ी। बनाने में भी आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से हमने बनाया है, बिल्कुल ही आप बना सकते हैं। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, ऊपर से हमने तिल भी लगाया है, तिल का यूज़ ज़्यादा कीजिएगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। मिलेंगे अगली रेसिपी में, बाय बाय।